आप सबको स्वागत है एक ब्रांड न्यू और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो पर। आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आप बोल सकते हो मेरे चैनल पे एडिटिंग के ऊपर, क्योंकि मेरे सेकंड चैनल पे जो मैंने वीडियो डाला था ब्लॉग के ऊपर, वहां पर मैंने इफेक्ट यूज किया था जो की बिल्डिंग रेजोन इफेक्ट बोल सकते हो, बहुत सारे इसका नाम है एंड इसको आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर में भी आप एडिट कर सकते हो। बट मैं आज दिखाने वाला हूँ प्रीमियर प्रो में, जिसमें मैं एडिट करता हूँ। हाँ जी, प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स पे भी आप कर सकते हो, बट उसमें बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। So, आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूं बिल्डिंग रेजोन इफेक्ट ऑन प्रीमियर प्रो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये हमारा सैंपल फुटेज जो कि मैंने ब्लॉग चैनल पर दिखाया था। बाय द वे, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ये वाला चैनल और सेकंड ब्लॉगिंग चैनल को, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही बॉम्ब वीडियो उसमें आने वाला है। बहुत ही एक सरप्राइजिंग वीडियो होने वाला है जो कि मेरे लिए सरप्राइज था और आपके लिए भी बहुत ही एक अच्छा अपडेट हो जाएगा। तो डेफिनेटली उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। रही बात इस वीडियो की, तो जैसे कि देख सकते हो ये वाला फुटेज मैंने यहां पर चूज किया था। तो जैसे कि देख सकते हो इसको मैंने पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड को चूज किया है। प्रीमियर प्रो में आप यहाँ पर बैरिकेड्स या ब्रेकेट्स वगैरह लगा सकते हो। चूज करने के बाद सिंपली मैंने वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया टाइमलाइन पर, ताकि ये अपने आप से इसका सीक्वेंस रेडी हो जाए। सीक्वेंस और वीडियो इंपोर्ट करने के बाद टाइमलाइन पर जैसे कि देख सकते हो, हमने सबसे पहले इसमें किया थोड़ा सा स्पीड रैंपिंग। स्पीड रैंपिंग इसलिए किया क्योंकि वीडियो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। आप अगर रेजोन बिल्डिंग इफेक्ट बना रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत अगर हल्का शेक रहता है तो वो इफेक्ट और ज्यादा रियलिस्टिक रहता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पीड रैंपिंग करते हैं। इसको राइट क्लिक करके शो क्लिप में जाके यहाँ पर मैं टाइम रीमैपिंग में क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो इसको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको किस तरह का स्पीड चाहिए। यहाँ पर मैं आपको स्पीड रैंपिंग का ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ बाय द वे। रही बात इस वीडियो की, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ मैंने क्या किया था शुरुआत में। तो सबसे पहले वीडियो नॉर्मल स्पीड में था, उसके बाद आके ही स्लो हो जाता है, देन थोड़ा सा फास्ट, देन स्लो। जैसे कि देख सकते हो आया स्लो हो गया, देन थोड़ा सा फास्ट, मैं सिर पे हाथ डाला, देन स्लो। तो जैसे कि देखते हो पूरा नेस्टिंग प्रोसेस पूरा नेस्ट प्रोसेस और स्पीड रैंपिंग वगैरह हो चुका है। अभी इसको हम करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के लिए हमको ऑल्ट प्रेस करके माउस से ड्रैग करना होता है ऊपर की तरफ। ड्रैग करते इसका कॉपी बन जाएगा। कॉपी बनने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे ओपेसिटी पर और ओपेसिटी में जाके मार्कर टूल जो होता है जिससे हम ड्रॉ करते हैं, मार्कर टूल में क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर मास्क ड्रॉ करेंगे और मास्क ड्रॉ करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना होगा यहाँ पर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वालों के लिए ये नहीं है। बट रही बात कॉन्शियसनेस की, तो यहाँ पर आपको एकदम बारीकनेस से, ऐसा नहीं कि पूरा बारीकनेस से करना है, बट हाँ आपका मास्किंग अच्छा हो जाए उस तरीके से यहाँ पर आपका ड्रॉ करना है। जैसे कि देख सकते हो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बाय द वे, मास्क जैसे मैंने कर लिया यहाँ पर देख सकते हो, इजी है, उतना कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। जैसे मास्क हो गया यहाँ पर और मास्क रेडी होने के बाद इसको हम मास्क फेदर जो है उसको करेंगे 2 और मास्क एक्सपेंशन जो है उसको मैं 5 पर रख दूंगा और उसके बाद इन्वर्ट पे क्लिक करूंगा। अगर इन्वर्ट पे आप अगर क्लिक नहीं करते तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं नीचे वाला लेयर में क्लिक करूंगा नेस्टेड सीक्वेंस जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद इसको हम यहाँ पर मार्कर लगा देंगे कि कहाँ पर हमारा रेजोन इफेक्ट खत्म हो जाएगा, कि इतना हद तक या इससे आगे तो मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें मास्किंग में की फ्रेमिंग वगैरह करना है तो आइडिया वगैरह रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप चेंजेस देखने के लिए नीचे वाले जो फुटेज है लेयर है उसमें क्लिक करके पोजीशन जो आता है उसको आप अगर नीचे कर दोगे जैसे कि देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको ब्लैक सीन देखने को मिल जाएगा। ऐसा लगे अतरंगी सा ब्लैक होल यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो इसको हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम अंडू कर देंगे। अंडू करने के बाद जो हमने मास्क ड्रॉ किया था उसमें हम फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मास्क पाथ आता है, उसमें आपको की फ्रेम ऐड करना होगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर छोटा सा स्टॉपवॉच जैसा है, उसमें क्लिक करते ये ब्लू हो गया। क्लिक करने के बाद इसको हम जूम करेंगे। जूम करने के बाद एक एक फ्रेम आगे जाएंगे और देखेंगे कि कहीं पर हमारा जो मास्क है वो हमारा इसका स्ट्रक्चर में कोई कटवट तो नहीं आ जाता है इसके स्ट्रक्चर पर। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा ऐसा खींचेंगे, जैसे एक एक फ्रेम आगे जाएंगे उसको खींचता जाएंगे और उसको परफेक्ट बनाता जाएंगे, ताकि वीडियो जब चले उसमें भी हमको समझ ना आए कि हमने गंदा मास्किंग किया था। तो जैसे कि देख सकते हो हमारा मास्किंग एंड मास्किंग पोजीशन जो आता है की फ्रेम वो सेट हो चुका है। यहाँ पर उतना कुछ चेंजेस नहीं है, बट हल्का सा माइनर चेंजेस है और उसमें ही बहुत ज्यादा हमको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप अगर ये नहीं करते तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर से नीचे वाले फुटेज में हम क्लिक करेंगे, देन हमारा जो बिल्डिंग है उसको हम नीचे खिसकता जाएंगे जब तक पूरा ब्लैक
ब्लैकआउट नहीं हो जाता है। ब्लैकआउट होने के बाद यहाँ पर हम शुरुआत में जाएंगे, जैसे कि देख सकते हो शुरुआत में जाके यहाँ पर एक की फ्रेम सेट करेंगे पोजीशन पर। की फ्रेम सेट करने के बाद जैसे कि हमने मार्कर लगाया था उसमें या फिर उसके पहले जहां पर आपको अच्छा लगे उसके वहां पर जाके फिर से हम उसको यहाँ पर जो अंडू वाला सेक्शन है, मतलब आपका जो पोजीशन अंडू होता है ना कि आपके इफेक्ट अंडू, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ऐसा एक सैम्बल है, इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, बट इसको हम अंडू बोलते हैं, तो उसमें हम क्लिक करेंगे जिसके वजह से वो उसी टाइम पे नीचे रहेगा पहले टाइम, देन वो ऊपर आ जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और जैसे आपका हो जाए उसके बाद आप इन दोनों की फ्रेम को अपने हिसाब से अगल बगल या दूर करीब ला सकते हो, जिससे आपका सेटिस्फेक्शन मिले उस जगह पर आप रख देना। रखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों जो की फ्रेम है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जाना है आपको टेम्पोरल इंटरपोलेशन पर, और यहाँ पर जाके करना है ऑटो ब्रीजर। ऑटो ब्रीजर जैसे ही करते हो तो ये आपका इफेक्ट और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, जिससे कि हमने स्पीड रैंपिंग में हम करते हैं ना ऐसा कर्व बनाते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ होने के बाद आपका इफेक्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है जैसे कि देख सकते हो, बट इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ब्लैकआउट दिख रहा है, यहाँ पर होल वगैरह दिख रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, नीचे यहाँ पर क्लिक करना होगा, जैसे कि देख सकते हो नीचे क्लिक करने के बाद हमको सिलेक्ट करना है कलर मैट। जैसे कलर मैट पे सिलेक्ट हो जाए आपको ब्लैक कलर का कलर मैट लेना है या जो कोई भी लेना है लीजिए, और उसके बाद नीचे रख दीजिए। मैटर नहीं करता ये कितना लेंथ का हो क्योंकि हमारा मार्कर से तो ज्यादा ही है। उसके बाद हम इफेक्ट पे जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फोर कलर ग्रेडियंट। आप फोर कलर टाइप कर देना, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, उसको हम खींच के इसमें ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको कलर वन का दो प्रोफाइल मिलेगा, एक है पॉइंट एन है कलर, फिर पॉइंट टू देन कलर, पॉइंट थ्री देन कलर, पॉइंट फोर देन कलर, और यहाँ पर चार आपको ड्रॉपर देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक एक ड्रॉपर को सिलेक्ट करना है, जैसे कि येलो है, ग्रीन है, पिंक एंड ब्लू है। तो येलो वालों को सिलेक्ट करना है आपको सबसे पहले, या फिर आप ब्लू वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हो, और याद रखना है कि ब्लू वाला कलर यहाँ पे कौन सा था उसमें आपको प्रेस कर देना है। तो हर एक पॉइंट में यहाँ पर पर्टिकुलर पोजीशन एंड नंबरिंग लिखा हुआ है, जिसको आप अगर मूव करोगे या हिलाओगे या पोजीशन चेंज करोगे इसका, तो यहाँ पर आपका जो कलर होगा वो थोड़ा सा ब्लेंड होगा, उसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा वही कलर में, ताकि एकदम प्रॉपर बैकग्राउंड से ये ब्लेंड हो जाए। अभी जैसे कि देख सकते हो जिसको मैं हिला रहा हूं, पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो उसका कलर एंड पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा टाइम देके, प्रीमियर प्रो है भाई, काइन मास्टर नहीं है या वीवा प्रो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है या जो भी आता है मोबाइल फोन में, तो यहाँ पर आपको टाइम लगाना होता है। एक एक इफेक्ट के लिए 2 सेकंड के वीडियो के लिए हमको 30 से 2 घंटा तक टाइम यहाँ पर लगाना होता है। तो आप अगर सोच रहे हो कि इतना झमेला हमको नहीं पसंद, तो आप दूर ही रहो भाई एडिटिंग से, और जो लोगों को पसंद है उन लोगों को तो बहुत ही मजा आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को भी आता है इस तरीके के ट्यूटोरियल को देखने में। आपको क्या करना है, ऊपर वाले वीडियो पे सिलेक्ट करना है सबसे ऊपर वाला, देन वहां पर जाके मास फेदर जो है उसको अपने हिसाब से सेट करना है, ताकि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है ना वो थोड़ा सा स्मूशी हो जाए, थोड़ा सा अच्छा दिखे दिखने में जैसे कि देख सकते हो, और उतना भी ज्यादा हर्श एंड पूरा प्रॉपर कट यहाँ पर ना दिखे, पूरा एकदम शार्पनेस ना दिखे, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे एडिटिंग वगैरह में। चेंज होने के बाद इसको हम एंटर करेंगे, और जैसे प्ले करेंगे तो जैसे कि देख सकते हो प्ले करने के बाद क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट पे ये हो जाता है, तो लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे आपके बैकग्राउंड पे कि आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा यहाँ पर कटिंग वगैरह में उतना बुरा दिख रहा है या मास्क में वहां पर समझ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। और इसको और ज्यादा ऑसम बनाने के लिए हम करेंगे इफेक्ट सेक्शन पे जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे ब्लर। तो एक चीज को नोट कर लेना कि जब भी आप किसी भी वीडियो में चीज को मूव करते हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, या चाहे वो ऐसा घर वर हो या बिल्डिंग हो या कोई अपार्टमेंट हो, उसको आप अगर मूव कर रहे हो तो उसमें आपको मोशन ब्लर जरूर से ऐड करना होता है। आप अगर ऐसे रख दोगे तो नॉर्मल पीपल को अच्छा लगेगा, लेकिन कोई अगर प्रोफेशनल एडिटर या डायरेक्टर देख रहा है तो उसको समझ आ जाएगा कि ये एकदम हार्श तरीके से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है या कोई भी मूव हो रहा है। तो उसमें हमको ऐड करना होता है मोशन ब्लर, जो कि आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत ही स्मूथली एकदम अच्छे से हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली प्रीमियर प्रो में मोशन ब्लर नहीं है, तो हम इसको यूज करेंगे डायरेक्शनल ब्लर। डायरेक्शनल ब्लर को आप अगर अच्छे से यूज करते हो तो आप लगभग 80% या 70% मोशन ब्लर के तक पहुंच सकते हो, बट 100% आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सेकंड वाले फुटेज पर, जिसमें हमने बिल्डिंग को मूव किया था, और उसमें हम ब्लर लेंथ में सबसे पहले जाएंगे, उसमें हम स्टॉप वॉच को क्लिक करेंगे ताकि वहां पर की फ्रेम बन जाए, देन जहां से ये खत्म होता है देन सिर्फ उससे एक फ्रेम आगे जाके हम ब्लरनेस को ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक या दो फ्रेम आगे जाकर ऐड करेंगे, देन जैसे ये पूरा अप हो जाता है देन उसको हम आगे जाके उसको रिवर्स कर देंगे उस इफेक्ट को, ब्लर लेंथ को। और यहाँ पर आपको कोई भी डायरेक्शन ऐड नहीं करना है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। और अभी जैसे कि देख सकते हो ब्लर लेंथ ऐड करने के बाद कितना स्मूथ एंड कितना ऑसम देखने को मिल रहा है, मतलब
बोल सकते हो कितने औसम है यार, क्या ही बोले, मतलब एकदम परफेक्टली आपका जो वीडियो था, आपका जो इफेक्ट था वो सेट हो चुका है। और इसमें और थोड़ा सा चार चांद लगाने के लिए आप कॉन्क्रीट मूविंग इफेक्ट आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। कॉन्क्रीट मतलब जो होता है कॉन्क्रीट मूव करते हैं, और उसके हिसाब से आप अपने साउंड इफेक्ट को चूज करके अपने हिसाब से क्रिएटिवली उसको सेट कर देना। उसकी स्पीड को कम करना है, बढ़ाना है, जो करना है आप सेट कर देना। देन उसके बाद थोड़ा सा वुश इफेक्ट भी ऐड कर देना नीचे, उसका वॉल्यूम इंटेंसिटी लेवल थोड़ा सा कम कर देना ताकि एकदम परफेक्ट रिजल्ट आ जाए। जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमने साउंड इफेक्ट वगैरह ऐड कर दिया है, सब कुछ रेडी हो चुका है, तो अभी आप देख सकते हो। और अभी इसमें सिर्फ एक ही चीज बाकी है, वो है कलर ग्रेडिंग। तो जैसे कि देख सकते हो वीडियो को एडिट करने के बाद साउंड इफेक्ट ऐड करने से कितना ज़्यादा ऑसम हो जाता है, वीडियो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद कलर ग्रेडिंग एंड बार लगाने के बाद, ब्लैक बार लगाने के बाद और भी ज़्यादा ऑसम हो चुका है। रही बात कलर ग्रेडिंग की, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे प्रीमियर प्रो के लट्स वगैरह जो होते हैं उसका भी मैंने लिंक वगैरह दे चुका हूँ उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा वो वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। रही बात इस ट्यूटोरियल की, मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है प्रीमियर प्रो के ऊपर, आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा ये वाला ट्यूटोरियल तो डेफिनेटली थम्स अप दे देना इस वीडियो को, और वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपको इस तरीके का एडिटिंग ट्यूटोरियल और चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब कर राइट साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, और नीचे कमेंट करना तो मत ही भूलना। और मैं मिलूंगा आप सब लोगों से ऐसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट, मिलते हैं और एक नए वीडियो पर। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि उसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग वीडियो आने वाला है। तो चलिए बाय।